नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। श्री राम सीता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री राम कथा के कार्यक्रम में पत्रकार प्रेस पर्सन के पदाधिकारी किया गया सम्मानित। जनपद औरैया के नगर पंचायत अटसू सब्जी मंडी में चल रही राम कथा एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान कथा सुनने पहुंचे पत्रकार प्रेस परिषद के कानपुर मंडल संगठन मंत्री सत्येंद्र सेंगर, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि कटेरिया सहित मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह को संतोष कुमार, प्रदीप कुमार, संजीव कुमार पोरवाल ने रामनवमी पीताम्बर उड़ाकर सम्मानित किया। यहाँ अभी राम वनगमन की कथा चल रही है और भगवान राम वन ना जाते तो राम बन ना पाते। राम बन गए तभी तो राम बन गए, ना राम को भगवान कौन कहता। लोग केकई को बुरा बताते हैं, ये केकई माँ की देन है। जो राम बन गए तभी राम बन गए, और राम बन ना जाते तो राम कभी बन ना पाते। राम को भगवान अगर बनाया है तो माँ केकई ने बनाया। कथा का प्रसंग कितने दिन चलेगा? आज कथा का चौथा दिवस है। कितने दिन तक चलेगा? ये नवम पुराण श्री राम कथा है और शेष 5 दिन है। 22 तारीख को कथा का विश्राम है। और रामायण न हिंदू बनाती है न मुसलमान बनाती है, रामायण बनाती है तो केवल इंसान बनाती है। भक्तों को मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि रामचरित मानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा और चलो राम की पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रोज कथाएं, रोज भागवत, रोज प्रवचन, रोज उपदेश, रोज सत्संग, लेकिन समाज पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा? उसका एक ही कारण है कि कथा पांडाल में जो भी श्रोता आते हैं वो अच्छे सुधरे सुधराए आते हैं, बिगड़े आते ही नहीं, वो सुधरे कहां से? यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी तारकाएं ऋषि मुनियों को सता रही है, जाने कितनी सूत रखाएं अपना नाटक दिखा रही है, ये तुम्हें कहीं पथभ्रष्ट न कर दे, इनसे तुम्हें समझना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। कुआर दशहरा कसुओं में भारी से मेले होते हैं, लेकिन सचमुच के रावण जिंदा है, आदत के रावण जलते हैं, और सचमुच के दशीसों को अब हमें कुचलना होगा, तो चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा, ये अहंकार ही रावण है, इसको मिटा देना ही रावण पद है।